Sir, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched to provide comprehensive insurance coverage against crop loss on account of non-preventable natural risks to help in stabilizing the income of farmers. As Odisha is a natural disaster-prone state, the PMFPY is a major risk mitigation program for the farmers of the state. The premium subsidy sharing pattern is 50-50. Between the central and the state governments. The state's share of the premium has been long delayed, while the centre has already released the funds. It is the state government which floats bids for the implementation of the scheme, and it is also the responsibility of the state government to make surveys of crop loss and grant compensation. केली की फसल अधिकतर मात्रा में होती है और केली की फसल अधिकतर मात्रा में होती है और इस वर्ष में करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षेत्र में केली की फसल की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए प्राकृतिक आपदाओं तथा प्रतिकूल मौसम के केली की फसल पर अनेक रोग का प्रभाव बढ़ता है, जिससे ज्यादातर सीगा टोका CMV जैसे रोग से केले की पूरी फसल खराब हो जाती है और तथा आसपास के केले की फसल भी प्रभावित होती है। इस रोग का फैलाव उस क्षेत्र में तेजी गति से होने की संभावना भी बढ़ती है। पिछले लगातार 2 वर्ष से केले की खेती करने वाले बहुत किसानों का इसमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन रोगों का समावेश हो, जिसके कारण जिन किसानों का नुकसान इन रोगों के मतलब रोग होने से उन किसानों का नुकसान हो रहा है, जिसमें से किसानों को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मदद मिल सकती है। धन्यवाद।